डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में मामूली बढ़ोतरी की गई। सरकार ने इसमें 300 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की है। इसे 13,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 13,300 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है। इसे 7 रुपए से बढ़ाकर 13.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल एक्सपोर्ट पर भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 9 रुपए कर दी है। संशोधित दरें 1 सितंबर से लागू हो गई है। इससे पहले सरकार ने विंडफॉल टैक्स पर रिव्यू किया था। तीसरे पखवाड़े की समीक्षा में डीजल के निर्यात कर 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर 2 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ घरेलू कच्चे तेल पर भी एक्साइज ड्यूटी को 17,750 रुपए प्रति टन से घटाकर 13,000 प्रति टन कर दिया गया था। आपको बता दूं कि सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल और ATF पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। इसके अलावा क्रूड ऑयल के घरेलू उत्पादन पर 23,250 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया था। उस समय वित्त मंत्री ने कहा था कि हर पखवारे टैक्स की समीक्षा की जाएगी। सरकार की तरफ से किए गए इन प्रयासों पर असर आने वाले समय में घरेलू बाजार में तेल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया कि क्रूड में गिरावट के बाद पेट्रोल और LPG पर तेल कंपनियों को किसी प्रकार का घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन डीजल पर अभी घाटा बरकरार है। इससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेट में कमी आने की संभावना हो सकती है। मेट्रो मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।